हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको 10-2 पढ़ाने आया हूं। सो 10-2 का मतलब होता है ने की प्रवृत्ति है। क्या दोस्तों? ने की प्रवृत्ति है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे, ये देखो 10-2 दिख रहा है आपको। 10-2 का मतलब है ने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? नेचर, किसी के नेचर में होना, आदत होना किसी चीज को करने की। जैसे कि 10-2 का मतलब है किसी के नेचर में कुछ काम करने का होना। तो 10-2 का मतलब समझ में आ गया, जो कि आदत है। जैसे कि तुम्हारे नेचर में है झूठ बोलना, तो यानी कि तुम झूठ बोलते ही बोलते हो। मेरे नेचर में है सच बोलना, यानी कि मैं सच बोलता ही बोलता हूं और मेरी आदत है। चाहे आप इसे आदत समझ लो, नेचर समझ लो, जैसा मर्जी समझ लो, 10-2 का मतलब है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है नेचर। समझ में आ गया दोस्तों? नेचर मतलब जो मेरे नेचर में है, मेरी आदत है, जो मैं रोज करता हूं, या फिर आप जो रोज करते हो उसके लिए आप 10-2 यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पिताजी की आदत है या फिर पिताजी की प्रवृत्ति है मुझे डांटने की, रोज डांटते हैं। सो मम्मी की प्रवृत्ति है ज्यादा बातें करने की, यानी कि मॉम टेंड्स टू टॉक अलॉट, यानी कि बहुत ज्यादा बात करने की, उनकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत है। आदत है या फिर प्रवृत्ति है, ठीक है? तो प्रवृत्ति मतलब समझ में आ चुका होगा। क्या दोस्तों? नेचर। सो आइए पढ़ते हैं हम 10-2 अच्छे से। 10-2 का मतलब है किसी के नेचर में कुछ काम करने का होना। आइए पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर देख लो एक बार। सब्जेक्ट है, 10-2 है, फिर टेंड्स टू। 10-2 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे और टेंड्स टू किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों? आइए मैं आपको अब समझाता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो देखो पहले हमारा क्या है, ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, फिर देखो फ्रेंड, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, फिर क्या है, नोबॉडी, नो वन, पेरेंट, पर्सन, और वाटर, ऑयल। वो देखो यहाँ पे एवरीवन को लोग सोचेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि ये एवरीवन दिख रहा है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? प्रत्येक की बात करिए, एक टाइम पे प्रत्येक, एक एक बंदे की बात हो रही है, ठीक है? और वाटर क्या है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या बोलोगे कि वाटर को हम सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर करेंगे। ऑयल हो गया, फिर देखो गवर्नमेंट हो गया, ठीक है? ग्रुप, कभी भी हम ग्रुप की बात करेंगे उसको भी आप सिंगुलर में ही कंसीडर करोगे, ठीक है? ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस, तो टेंड में एस जोड़ देना है, ठीक है? क्या जोड़ देना है? टेंड्स टू हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डस नॉट, फिर टेंड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे अच्छी बात है सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो अब यहां पर दिख रहा होगा ही, तो ही, अब इधर देखो पॉजिटिव सेंटेंस से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टेंड्स टू, क्या? ही टेंड्स टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब उसकी सच बोलने की प्रवृत्ति है। जब मैं इसी से ही जब नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है, तो इधर देखो क्या हो जाएगा, सो ही डज नॉट टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। सो यहां पे जैसे ही डज नॉट लगा, इधर देखो जैसे ही डज नॉट लगाया मैंने, देखो टेंड में एस नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो एस हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जितने भी सेंटेंस है, जैसे कि शी से बनाओगे, शी टेंड्स टू, टेंड में एस जुड़ जाएगा, टेंड्स टू लाए, मदर टेंड्स टू स्कोल्ड मी, टेंड्स, ठीक है? और जब नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मदर, इधर देखो मदर डज नॉट, ये देखो डज नॉट दिख रहा है आपको, ये रहा मदर डज नॉट टेंड टू स्कोल्ड मी, ठीक है? सो मदर डज नॉट टेंड टू स्कोल्ड मी। सो नेक्स्ट है जैसे ब्रदर, ब्रदर की मतलब भाई की ना प्रवृत्ति है मेरी मदद करने की, यानी उसके नेचर में है, वो मेरी मदद करता ही करता है, तो क्या बोलेंगे कि ब्रदर, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ब्रदर टेंड्स टू, दिख रहा है आपको, ये देखो टेंड्स टू, ब्रदर टेंड्स टू हेल्प मी। और मैं बोलूंगा कि भाई की मेरी मदद करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो हम ब्रदर दिख रहा है नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रदर डज नॉट, ये देखो लिखा है ब्रदर डज नॉट टेंड टू हेल्प मी, ठीक है? और एवरीवन से बनाते हैं हम, एक बार देख लो इधर, एवरीवन दिख रहा है आपको, ये रहा एवरीवन, सभी लोगों की क्रिटिसाइज करने की प्रवृत्ति है, तो हम क्या बोलेंगे, एवरीवन टेंड्स टू क्रिटिसाइज,
और मैं बोलूंगा सभी लोगों की क्रिटिसाइज करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो नहीं हमें क्या हो जाएगा, डज नॉट लग जाएगा कि एवरीवन डज नॉट टेंड टू क्रिटिसाइज। क्लियर हो गया? सो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, ठीक है। तो डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये रहा प्लूरल सब्जेक्ट, एक बार देख लो प्लूरल सब्जेक्ट में। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे कि यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज, स्टूडेंट्स, दोज, चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स। तो इनके साथ जब भी बनाओगे इसमें टेंड में एस नहीं आएगा, टेंड टू होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट आ जाएगा और टेंड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि तुम्हारी सच बोलने की प्रवृत्ति है तो यू, और जब पॉजिटिव बनाएंगे टेंड टू, इसमें एस नहीं आ रहा, यू टेंड टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। यू सिंगुलर भी है, थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन इसके साथ हमेशा से ही क्या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इसको सिंगुलर हो चाहे, ये यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन टेंड टू ही यूज होगा, इसके साथ एस यूज नहीं होगा। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, तुम्हारी सच बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यू डू नॉट टेंड टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। तुम्हारी सच बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, यू डोंट टेंड टू स्पीक द ट्रुथ। जैसे कि उनकी क्रिकेट खेलने की प्रवृत्ति है, तो उनकी यानी कि दे बहुत सारे बंदे हैं, मैं बहुत सारे बंदों की बात कर रहा हूं, तो दे टेंड टू क्या हो जाएगा, दे टेंड टू प्ले क्रिकेट। अब मैं बोला उनके क्रिकेट खेलने की प्रवृत्ति नहीं है, दे डोंट टेंड टू प्ले क्रिकेट। अब जैसे फ्रेंड्स, दोस्तों की मेरी मदद करने की प्रवृत्ति, मतलब उनके नेचर में है, वो रोज मेरी मदद करते ही करते हैं, तो हम क्या बोलूंगा, फ्रेंड्स टेंड टू, देखो इसमें एस नहीं लग रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर एक फ्रेंड होता तो मैं टेंड में एस जोड़ देता, लेकिन यहां पर क्या है, फ्रेंड्स हैं बहुत सारे हैं, इसलिए मैं टेंड में एस नहीं जोड़ रहा हूं। तो फ्रेंड्स टेंड टू हेल्प मी, मतलब लोगों की, दोस्तों की मेरी मदद करने की प्रवृत्ति है, उनके नेचर में है, वो मेरी मदद करते ही करते हैं, तो फ्रेंड्स टेंड टू हेल्प मी। और जब मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स डोंट टेंड टू हेल्प मी, यानी कि दोस्तों की मेरी मदद करने की प्रवृत्ति नहीं है। समझ में आ गया, उनके नेचर में नहीं है, वो दोगले बंदे हैं, ठीक है। सो उनकी मदद करने की प्रवृत्ति नहीं है, सो ये याद रखना, फ्रेंड्स है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, याद रखना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो डू नॉट यूज करना है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ डज नॉट। एक आई का भी समझ लो, जैसे कि आई सिंगुलर है, तो इसके साथ भी जो ट्रीटमेंट होगा वही सेम ट्रीटमेंट होगा जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे पॉजिटिव जब बनाओगे, मेरी वहां जाने की प्रवृत्ति है, तो आई टेंड टू गो देयर। मेरी झूठ बोलने की प्रवृत्ति, यानी कि मेरे नेचर में मैं झूठ बोलता ही बोलता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई टेंड टू लाई। अब मैं आई से जब नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट, यानी कि मेरी झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, तो आई डू नॉट टेंड टू लाई। मेरी सच बोलने की प्रवृत्ति नहीं, मैं सच बोलता ही नहीं हूं, मेरे नेचर में ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट। जब नेगेटिव बनाऊंगा तो आई डू नॉट लगाना है, फिर टेंड टू, एस नहीं लगाना, आई सिंगुलर है लेकिन टेंड में एस नहीं लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना। तो आई डोंट टेंड टू लाई, क्लियर हो चुका है। अब जैसे एक और सेंटेंस ले लो, मेरी मदद करने की प्रवृत्ति है, तो आई टेंड टू, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आई टेंड टू हेल्प, और मैं बोलूंगा मेरी मदद करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट tend to, do not tend to help, ठीक है, यानी कि मेरी मदद करने की प्रवृत्ति नहीं है, so I don't tend to help। मैं एक और सेंटेंस बोल देता हूं, जैसे कि मेरी पढ़ने की प्रवृत्ति है, तो I, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बोलोगे, तो I tend to, ये देखो I tend to study, मेरी पढ़ने की प्रवृत्ति है, मेरी पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति मतलब मेरे नेचर में नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, I, नेगेटिव सेंटेंस, I do not tend to study, ठीक है, so I don't tend to study, clear हो गया। so आपको मैंने singular और plural subject समझा दिया, आइए आप sentences पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। so आइए sentence आप पढ़ते हैं, sentence से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि देखिए पहला sentence पढ़ते हैं हम, मेरी, ये देखिए मेरी सहमत होने की प्रवृत्ति है, ये देखो साइन है, ने की प्रवृत्ति है, इसी से आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या हूं, सिंगुलर हूं, और मैंने पहले भी बताया था आई के साथ एस नहीं आएगा, तो आई टेंड टू अग्री, यानी कि मेरी सहमत होने की प्रवृत्ति है, तो यानी कि मेरे नेचर में मैं सहमत हो जाता हूं भाई, ठीक है। सो आदत भी समझ सकते हो, आदत समझ लो, नेचर में है आपके वो समझ लो, ठीक है, और प्रवृत्ति समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो, यानी कि आप जो रोज करते हो वो है आपकी प्रवृत्ति, ठीक है। जैसे कि लोगों की आदत है, यानी कि लोगों की प्रवृत्ति है बुराई करने की, तो पीपल टेंड टू क्रिटिसाइज, ठीक है, प्लूरल है इसलिए,
ठीक है, इसलिए मैंने क्या लगाया, टेंड टू के साथ क्रिटिसाइज लगाया, इसमें टेंड में मैंने एस नहीं जोड़ा। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसकी लेट होने की प्रवृत्ति है, यानी कि देख रहे हो ने की प्रवृत्ति है, तो मैं क्या बोलूंगा, शी, तो शी क्या हो गया, सिंगुलर है, तो शी टेंड्स टू, यहां पे देखो एस लग रहा है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो शी टेंड्स टू बी लेट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, रोहन के सुस्त होने की प्रवृत्ति है, यानी कि ने की प्रवृत्ति है, तो हम क्या बोले, रोहन के सुस्त होने की प्रवृत्ति, रोहन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो रोहन जब से सेंटेंस बनाएंगे तो टेंड में एस जुड़ जाएगा, तो रोहन टेंड्स टू बी लेजी। ठीक है, तो रोहन टेंड्स टू बी लेजी। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी की गलती करने की प्रवृत्ति है, यानी कि ने की प्रवृत्ति है, यानी कि मेरे पिताजी के नेचर में वो गलती करते ही करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर टेंड्स टू, यानी कि देखो फादर क्या हुए, सिंगुलर हुए, तो टेंड में एस जुड़ गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, माय फादर टेंड्स टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी से इजीली समझा रहा हूं मैं आपको, और बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं, तो आपकी आपको दिक्कत ना आए, देख लेना आप अपने कॉन्वर्सेशन में आसानी से यूज कर लोगे, एक ही कंडीशन है, पूरी वीडियो देखना बस, आपको आराम से समझ में आ जाएगा किस तरीके से मेरे को इन सेंटेंसेस को कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस है, उसकी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति है, यानी फिर से आ गया ने की प्रवृत्ति है, तो हमें क्या बोलूंगा, ही टेंड्स टू, क्या ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए टेंड में एस जुड़ जाएगा, तो ही टेंड्स टू एग्जाजरेट, यानी कि एग्जाजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाने की प्रवृत्ति है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जाजरेट का क्या मतलब है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, और प्रवृत्ति मतलब नेचर, उसके नेचर में वो बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। ठीक है ना, तो ही टेंड्स टू एग्जाजरेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या है, मेरी उसके साथ सहमत होने की प्रवृत्ति है, यानी कि ने की प्रवृत्ति है, दिख रहा है, तो ये मेरी क्या है, आई है, सिंगुलर है, पर इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, तो आई के साथ टेंड्स नहीं आता है, टेंड आता है, तो आई टेंड टू अग्री विद हिम। ठीक है, तो यानी कि मेरी उसके साथ सहमत होने की प्रवृत्ति है, यानी कि मेरे नेचर में है, मैं अग्री हो जाता हूं। अगला देखो सेंटेंस, ये देखो, उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, यानी कि ने की प्रवृत्ति दिख रहा है, और उसकी इसकी मतलब ही मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही टेंड्स टू, यहां देखो ही के साथ एस लगा, ही टेंड्स टू लाए, तो यानी कि उसके नेचर में वो झूठ बोलता ही बोलता है। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसकी सच बोलने की प्रवृत्ति है, यानी कि ने की प्रवृत्ति है, यानी कि उसके नेचर में वो सच बोलता ही बोलता है, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो उसकी मतलब ही, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ हमारा क्या लग रहा है, टेंड्स, यानी कि टेंड के साथ एस जोड़ रहा है, तो ही टेंड्स टू स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो यानी कि ही टेंड्स टू स्पीक द ट्रुथ मतलब उसकी सच बोलने की प्रवृत्ति है, उसके नेचर में है। ठीक है, यानी कि वो सच बोलता ही बोलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये देखो, लोगों की आवाज बढ़ाने की प्रवृत्ति है, तो ने की प्रवृत्ति है, दिख रहा है, इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब वे उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, तो पीपल टेंड टू, दिख रहा है, पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे गेट एक्साइटेड। ठीक है, पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे गेट एक्साइटेड। पीपल क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, ओनली टेंड टू, याद रखना, एस नहीं यूज करना है। नेक्स्ट देखो अगला, उसकी बहुत दूर जाने की प्रवृत्ति है, यानी कि ने की प्रवृत्ति है, यानी कि उसके नेचर में वो बहुत दूर जाता है, तो क्या बोलूंगा, शी टेंड्स टू गो टू फार, यानी कि शी क्या हुआ, सिंगुलर है, और टेंड के साथ हमें हमारा एस जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टेंड्स टू, तो शी टेंड्स टू गो टू फार, यानी कि उसके नेचर में है बहुत दूर जाने की। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, अगला सेंटेंस है, सरकार की मीडिया को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है, यानी कि ने की प्रवृत्ति है, दिख रहा है आपको, सो ने की प्रवृत्ति है, सरकार के नेचर में है, यानी कि उनकी आदत है मीडिया को कंट्रोल करने की। ठीक है ना, तो हमें क्या बोलूंगा, द गवर्नमेंट टेंड्स टू, यानी कि गवर्नमेंट ग्रुप हो गया, ग्रुप की बात जब भी करेंगे टेंड में एस जोड़ देना। ठीक है, जैसे कि ग्रुप हो गया, फैमिली हो गया, मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है, आप देख लेना एक बार पीछे जाकर, तो फैमिली, ग्रुप, टीम, ठीक है, और ये जब भी सोसाइटी, तो इन सब की बात करेंगे, जब भी ग्रुप की बात करेंगे तो टेंड में एस जुड़ जाएगा। द गवर्नमेंट टेंड्स टू कंट्रोल द मीडिया, यानी कि टेंड में क्या जुड़ गया हमारा,
एस किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से. गवर्नमेंट क्या है? सिंगुलर है. जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो हमारा टेंड में एस जुड़ जाएगा. ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस. उसकी अपनी योग्यता को कम समझने की प्रवृत्ति है, यानी कि फिर से नहीं की प्रवृत्ति, यानी कि उसके नेचर में है कि वो अपनी योग्यता को कम समझता है. ठीक है ना, वो और उसकी आदत भी समझ लो नेचर में है. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? शी टेंड्स टू अंडर एस्टिमेट हर ओन एबिलिटी. यानी कि शी हो गया सिंगुलर, इसके साथ हमारा मतलब कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे शी से तो टेंड में क्या जुड़ जाएगा? एस. तो क्या बन गया? टेंड्स टू. तो शी टेंड्स टू अंडर एस्टिमेट हर ओन एबिलिटी. क्लियर है? सो आपको समझ में आ चुका होगा. पॉजिटिव सेंटेंसेस सारे क्लियर हो चुके होंगे. तो जब भी हम सिंगुलर से सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे तो टेंड में एस जुड़ जाएगा, टेंड्स टू. ठीक है, और जब प्लूरल से बनाएंगे तो उसमें एस नहीं आएगा, जैसे कि यू, वी, दे, दीज, दोज, फ्रेंड्स, बॉयज और पेरेंट्स. ठीक है, आइए नेगेटिव सेंटेंस. इधर देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है. तो इधर देखो, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, फिर डू जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और डज हो गया सिंगुलर. वो डिपेंड करता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आ जाएगा और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आ जाएगा. डज नॉट टेंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखो, हमारा इसमें सेंटेंस पढ़ते हैं हम. देखो, हमारी इस तथ्य को भूलने की प्रवृत्ति नहीं है. तो नहीं की प्रवृत्ति नहीं है, ये नहीं थोड़ा ध्यान रखना, इसमें नहीं आ रहा है. ठीक है, नहीं की वजह से डू नॉट या डस नॉट. और वी क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमारा डू लगेगा. तो वी डोंट टेंड टू फॉरगेट दिस फैक्ट. आपको अगर डू नॉट लिखना है अलग से तो ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, सो वी डोंट टेंड टू फॉरगेट दिस फैक्ट. आइए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए. उसकी शीघ्रता से बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि वो जल्दी नहीं बोलता है, उसकी प्रवृत्ति नहीं है, उसके नेचर में ही नहीं है, वो जल्दी नहीं बोलता है. तो मैं क्या बोलूंगा? शी डज नॉट टेंड टू स्पीक रैपिडली. यानी कि शी क्या हुआ? सिंगुलर, इसलिए हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आ जाता है, या याद रखना, और टेंड में से एस हट जाएगा, याद रखना. ठीक है, तो शी डज नॉट टेंड टू स्पीक रैपिडली. आइए नेक्स्ट सेंटेंस. उसकी गुस्सा करने की प्रवृत्ति नहीं है जब लोग उसका विरोध करते हैं. तो उसकी, याद रखो, यानी कि ये सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया. तो देखो, ही डज नॉट टेंड टू गेट एंग्री व्हेन पीपल अपोज हिम. क्या? व्हेन पीपल अपोज हिम. ठीक है ना, सो यानी कि क्या बताया गया है? उसकी गुस्सा करने की प्रवृत्ति नहीं, यानी कि उसके नेचर में नहीं, उसको गुस्सा आता नहीं है जब लोग उसका विरोध करते हैं. ठीक है ना, सो जब लोग उसको अपोज करते हैं. सो नेक्स्ट सेंटेंस देखो अगला. ये भी समझ लो, ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए डज लग गया. आ जाइए, उसकी सच बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि उसकी सच बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं की वजह से क्या आएगा? डज नॉट और डू नॉट. तो ही डज नॉट टेंड टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि ही की वजह से डज आ गया. इसको आई कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से. ही सिंगुलर है, इसलिए डज आ रहा है, और टेंड में एस नहीं आएगा. ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस. मेरे पिताजी की यहां आने की प्रवृत्ति नहीं है. तो यानी कि ने की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं की वजह से डू नॉट और डज नॉट आएगा. लेकिन अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है. तो देखो, माय फादर क्या है? माय फादर. फादर क्या हुआ? सिंगुलर हुआ. तो सिंगुलर की वजह से हमारा क्या लगेगा? डज. क्या लगेगा? डज. तो माय फादर डज नॉट टेंड टू कम हेयर. क्या दोस्तों? माय फादर डज नॉट टेंड टू कम हेयर. मेरे पापा की प्रवृत्ति नहीं है यहां आने की. ठीक है ना, उनके नेचर में नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखो अगला. तुम्हारी मुझे गाली देने की प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि ने की प्रवृत्ति नहीं है. इस नहीं की वजह से फिर से डू नॉट और डज नॉट लगाना है. तो इधर देखो, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, बट इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो जो कि डू है. तो यू डू नॉट, यानी कि या आप इसको बोल सकते हो डोंट. तो यू डोंट टेंड टू अब्यूज मी, यानी कि आपकी मुझे गाली देने की प्रवृत्ति नहीं है. ठीक है ना, समझ में आ गया? आप मुझे गाली नहीं देते हो, या फिर आपके नेचर में नहीं है गाली देना. समझ में आ गया? नेचर में नहीं है. चलो आज मतलब आपके नेचर में नहीं है गाली देना. क्लियर है? आजिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. इधर देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इधर देखो,
डू या फिर डस, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, और फिर प्लस है सब्जेक्ट, फिर प्लस टेंड टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। आ जाइए पढ़ते हैं सेंटेंस। इधर देखो, क्या क्या यानी कि डू आ जाएगा या फिर डज आ जाएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। क्या तुम्हारे पिताजी की चाय पीने की प्रवृत्ति है? तो ने की प्रवृत्ति है, तो डज किसकी वजह से आ रहा है? फादर की वजह से। कुछ बच्चे योर के चक्कर में ना डू लगा देते हैं, योर फादर, दो फादर नहीं है, एक ही फादर है, तो इस फादर की वजह से यहां पे डज आ रहा है। थोड़ा ध्यान रखना, योर की वजह से डू मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सो डज योर फादर टेंड टू टेक टी, क्या तुम्हारे पिताजी की चाय पीने की प्रवृत्ति है? ठीक है, यानी कि क्या तुम्हारे पिताजी के नेचर में है चाय पीना, क्या वो रोज पीते हैं, या फिर क्या पापा की आदत है चाय पीने की, ऐसे मर्जी, जैसे मर्जी समझ लो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। क्या लोगों की ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति है? यानी कि देखो, लोगों क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू आ गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पीपल की वजह से। सो डू पीपल टेंड टू, यानी कि देखो पीपल आ गया, डू डस लगते ही समझ जाना कि टेंड में एस और यस नहीं आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो डू पीपल टेंड टू थिंक अलॉट, ठीक है ना। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सभी लोगों की वहां जाने की प्रवृत्ति है? क्या सभी लोगों की वहां जाने की प्रवृत्ति है, यानी कि क्या सभी लोगों के नेचर में वहां जाने जाना, या कि यानी कि क्या सभी लोगों की आदत है वहां जाने की? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डज एवरी वन टेंड टू गो देयर। ठीक है, तो एवरी वन क्या ऐसा लगेगा आपको, ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, सो डज एवरी वन टेंड टू गो देयर, क्या सभी लोगों की वहां जाने की प्रवृत्ति है? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उनकी क्रिकेट खेलने की प्रवृत्ति है? तो ने की प्रवृत्ति है, ये थोड़ा था आपको इसी से आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस के अंत में किस तरीके का साउंड आ रहा है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डू दे टेंड टू प्ले क्रिकेट, क्या उनके क्रिकेट खेलने की प्रवृत्ति है? ठीक है, यानी कि बहुत सारे बंदे हो गए, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए डू लग रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये देखो, ये एवरीवन है, एवरीवन की वजह से डस लग रहा है। सो नेक्स्ट है देखो, फिफ्थ सेंटेंस, क्या उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है? तो ने की प्रवृत्ति है, तो यानी कि डज ही टेंड टू लाई, क्या उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है? तो ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से डज आ रहा है। ठीक है, आ जाइए लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इधर देखो, डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, फिर प्लस टेंड टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डू, और जो नॉट मैंने सब्जेक्ट के बाद लिखा है इसको कॉन्ट्रैक्शन करना है, यानी कि डोंट लिख देना है, डोंट या फिर डज नॉट, प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस टेंड टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो डोंट या फिर डज नॉट, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस टेंड टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। आज ये हम इसका स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखो पहला सेंटेंस क्या, क्या उनकी नदी में तैरने की प्रवृत्ति नहीं है? तो ने की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये याद रखना नहीं भी आ रहा है और प्लस क्या भी आ रहा है। ठीक है ना, क्या के चक्कर में डू आ गया और नहीं के चक्कर में नॉट, तो हमने दोनों को जोड़कर कॉन्ट्रैक्शन, समझते हो ना, डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, डज नॉट को हम डजंट बोलते हैं, हैज नॉट को हम हैजंट बोलते हैं। तो इस तरीके से डोंट दे टेंड टू स्विम इन द रिवर, यानी कि दे की वजह से डू आया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की प्रवृत्ति नहीं है? सो फिर से ने की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं भी आ रहा है और प्लस क्या भी आ रहा है, तो सो डजंट ही टेंड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो ही के चक्कर में, ही क्या सिंगुलर है इसलिए डज नॉट, और टेंड टू में मैंने पहले भी बताया था डू और डज आ जाए सब्जेक्ट से पहले, चाहे सब्जेक्ट के बाद भी आए, तो हमें टेंड में एस नहीं लगाना है जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट से सेंटेंसेस बना रहे हो। ठीक है, तो आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, क्या सरकार की मीडिया को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति नहीं है? तो ने की प्रवृत्ति नहीं है, दिख रहा है आपको, ने की प्रवृत्ति नहीं है। तो इधर देखो इसका ट्रांसलेशन, डजंट
द गवर्नमेंट टेंड टू कंट्रोल द मीडिया. तो गवर्नमेंट क्या है, मैंने पहले बताया था, ग्रुप की बात जब भी करेंगे वो सिंगुलर होता है, तो ग्रुप को आपको सिंगुलर में ही कंसीडर करना है. तो गवर्नमेंट की वजह से डस लग रहा है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगता है, बार बार बोल रहा हूं. तो डजंट द गवर्नमेंट टेंड टू कंट्रोल द मीडिया. नेक्स्ट सेंटेंस आगे, क्या उसकी अपनी योग्यता को कम आंकने की प्रवृत्ति नहीं है? तो ने की प्रवृत्ति नहीं है. तो डजंट शी टेंड टू अंडर एस्टिमेट हर ओन एबिलिटी. तो क्या उसकी अपनी योग्यता को कम आंकने की प्रवृत्ति नहीं है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं के लिए हमने नॉट भी जोड़ दिया है. तो आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो सब्जेक्ट के बाद लिख सकते हो नॉट, यहाँ पर नॉट यहाँ लिख सकते हो अलग से, ठीक है, इस नॉट को हटाकर, ठीक है. तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से ही डस आ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या उसको गुस्सा नहीं आता है जब लोग उसका विरोध करते हैं? यानी कि क्या उसके गुस्सा आने की प्रवृत्ति नहीं है जब लोग उसका विरोध करते हैं? तो देखो, doesn't he, इस he की वजह से does आ रहा है, और ये not भी है यहाँ पे, देखो not भी है और question भी है. तो क्या उसके उसको गुस्सा नहीं आता है? तो doesn't he tend to get angry when people oppose him, ठीक है. Doesn't he tend to get angry when people oppose him, ठीक है. तो क्या उसके प्रवृत्ति नहीं है गुस्सा होने की, या फिर क्या उसके नेचर में नहीं है गुस्सा होने के जब लोग उसका विरोध करते हैं, ठीक है. सो आई गेस दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा tend to का मतलब क्या है. नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच.